huge giant round of applause for Mr. Nawazuddin Siddiqui. अभी मैं स्टेज पे बुला लेती हूँ ये जो जनाब है जिनके जिनका पूरा थॉट प्रोसेस है पूरा आइडिया है सर आप तो जिस चीज पे हाथ लगाते हैं वो कान पहुंच जाती है एक जरा सा मुझे भी हाथ लगा दीजिए स्टेज पर आके मेरी से जान में मिस्टर रमन राघव Just one question. पहले कि हम आपकी बाकी की कास्ट से मिलें, ये 2.0 रमन राघव 2.0 हमने बहुत क्लासिक फिल्म बनाई थी पिछले साल Definitely crap my pants. This was 11. For sure. Ladies and gentlemen, can we hear one more time for Raman Raghav 2.0? A huge round of applause. पहली बार ट्रेलर देखने को मिला यार. Come on. All right. अनुराग सर अब बुलाते हैं स्टेज पे एक एक करके सबको ठीक है सबसे पहले अनुराग कश्यप आप ही आ जाए दोबारा ऊपर फैंटास्टिक सर सबसे पहले आपसे सवाल ये मैं पूछना चाहती हूँ ये जो रमन राघव की कहानी है ये कितनी ये रियल है क्योंकि आपने इसको कंटेम्पराइज किया है सो कितना उसमें रियलिटी है 60s का जो रमन राघव था और कितना फिक्शन है मतलब फिल्म तो एक तरह से देखा जाए तो फिक्शन ही है बट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेटली बोरोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी रमन राघव ऑफ द 60s यस फैंटास्टिक तो स्टेज पे बाकियों को बुला लेते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लीज एक बार फिर से स्टेज पे आ जाए नवाज प्लीज नवाज सर जब जब आपकी मूवीज देखकर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे बढ़ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे और फिर हम अगली मूवी का ट्रेलर देखते हैं और पता चलता है कि क्या करेंगे इससे आगे बढ़कर इस किरदार में घुसने के लिए क्या तैयारियां की सर आपने एक्चुअली तैयारी मैं मुझे जब भी इधर से बॉल मिलती है तो तभी से तैयारी होनी शुरू हो जाती है दो दिन मैं गया था बाहर चला गया था बिना किसी को बताए और खुद ही डरने लगा था अपने आप से जब इस रोल की तैयारी कर रहा था तो आया और फिर आके शूटिंग शुरू हो गई और शूटिंग करते करते ऐसा कुछ हो गया था मैं एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और उस समय में जो सीन करके आया था वो चाय वाला सीन था ना कि ये वाला तो वो सीन बेहोशी में वो सीन गुनगुना रहा था मैं जबकि वो करके आ गया था मैं वो सीन तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया इनको कि क्या क्या कर दिया मेरे हस्बैंड का क्या से क्या बना दिया तो इस तरह की चीज़ें हुई थी और उस समय जवाब क्या था सर आपका कि क्या कर दिया हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ व्हाट हैव यू डन मैं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं तो मैं तो सिर्फ हम लोगों को तो एक ही चीज़ सिखाई गई है शुरू से कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसमें लोगों को झोंक देते हो उसके बाद सब अभिमन्यु बन जाते हैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं अंदर छोड़ के बस अब निकल लो बेटा बाहर फैंटास्टिक ये क्या इज एवरीथिंग ऑलराइट इज एवरीथिंग ओके एवरीथिंग इज ओके ऑलराइट एवरीवन थैंक यू वेरी मच नहीं नहीं आराम से विल आराम से अरे 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 इतना मतलब ट्रेलर का इफेक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर आराम से मेरे दोस्त चीते काउंट डाउन थैंक यू वेरी मच All right. So Anurag sir, अभी बाकी की कास्ट को स्टेज पे बुलाते हैं, ladies and gentlemen, Mr. Vicky Kaushal. मतलब विकी आपने अपने आप को इस कदर प्रूव कर चुके हैं आप मूवी आपकी कांस जा चुकी है कांस में आके जीत के आ चुकी है लेकिन फिर आपने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए अनुराग कश्यप साहब को प्लीज टेल अस दैट स्टोरी मुझे फोन आया था अनुराग सर का एंड उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बना रहा हूँ रमन राघव जिसमें एक सीरियल किलर है और एक कॉप है तो मैं कॉप के लिए तुझे सोच रहा हूँ पर मेरे जहन में और भी तीन चार नाम है सो आई वॉन्टेड टू गिव अ टेस्ट ऑडिशन ऑडिशन टू दे एंड पाँच दिन बाद मुझे ऑडिशन देना था एंड छाबड़ा जी ने ऑडिशन लेना था मेरा तो दो सीन्स दिए गए थे मुझे तो अब सर ने उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन में मुझे एक हल्का सा ब्रीफ दिया था कैरेक्टर का और फिर उस ब्रीफ देने के बाद मुझे कहा कि पर तूने जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है तुझसे नहीं हो पाएगा मुझे कुछ हो गया मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा मैंने कहा अब तो पूरी कोशिश करूंगा अगर हो सका तो फिर बट ही वाज ट्रू टू द पॉइंट्स दैट ही वाज मेंशनिंग कि व्हाई ही वाज स्केप्टिकल अबाउट इट एंड फॉर दैट मुझे लगा कि कुछ
अलग एक्सरसाइज करना चाहिए. तो मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं था वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट फॉर 5 days देन आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, लाइट्स नहीं ऑन करता था, पर्दे बंद करके बस बैठा रहता था एंड मोबाइल ऑफ कर दिया, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं. तो 4-5 दिन वैसे गुजरे और बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी इरिटेटेड. मुझे बस था यार मैं ऑडिशन दे दूँ, मैं वापस सिविलाइजेशन में आना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ. उसके बाद 5 दिन बाद मैंने ऑडिशन दिया 12 बजे के करीब दोपहर को छावड़ा जी के ऑफिस में. एंड मैं घर जा रहा था खुशी खुशी कि ऑडिशन हो गया, चलो फैमिली के पास जाते हैं. एंड उसी दौरान फ़ोन आ गया कि अनुराग सर आए हुए हैं, उन्होंने फुटेज देखा है तो तुझे बुला रहे हैं. एंड मैं वापस आया एंड मैंने सोभिता के साथ ही ऑडिशन दिया था, मैंने और सोभिता ने साथ में दिया था, वी आर सिटिंग टुगेदर. एंड तब अनुराग सर ने डिटेल में कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में पूरा एक तरीके से नरेशन दिया. तो मुझे लग रहा था कि ये इसलिए दे रहे हैं कि अब बेटा रीटेस्ट देना अब, क्योंकि तुझे पता है कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, अब रीटेस्ट देना. तो मैं उस तरीके से मैं सुन रहा था. एंड एंड में उन्होंने बस कह दिया, अच्छा बाय द वे आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट. And I was like, तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी इनके साथ शुरुआत हुई है एक्चुअली अनुराग सर एंड नवाज भाई बोथ, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर में AD था एंड 10th मतलब लास्ट AD हुआ करता था. एंड नवाज भाई के सामने क्लैप्स देना, इनको बुलाना, सर शॉट रेडी आ जाओ. एंड टू दिस डे व्हेन आई हर्ड कि तुम ये फिल्म कर रहे हो, इट वॉज जस्ट टू स्पेशल फॉर मी कि मुझे रजिस्टर नहीं हुआ. एंड देन वी केम टू फैंटम ऑफिस एंड आई मेट नवाज भाई एंड सब कुछ बड़ा सरियल था उस दिन. जहाँ मतलब 5 मिनट के लिए हमारा 3G से 2G हो जाता है फोन, और मतलब सिट्टी पिट्टी घूम हो जाती है सबकी, वहाँ पे 5 दिन के लिए आपने खुद को सिविलाइजेशन से दूर रखा. नवाज सर डेडिकेशन सर फॉर द रोल ना, विकी की डेडिकेशन फॉर द रोल. स्पीकिंग ऑफ इंटरनेट ऑन योर फोन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अ फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आप अभी फेसबुक पर जाएं और अगर अभी आप फेसबुक पर चेक इन करें, जो वो वॉचिंग वाला ऑप्शन आता है ना, ऐसे वॉचिंग, तो अगर आप अभी यहाँ पे चेक इन करेंगे, जाकर ट्राई कर लीजिए अपने फोन में वॉचिंग रमन राघव 2.0 ट्रेलर. तो एक स्पेशल इमोटिकॉन लॉन्च किया है, स्पेशली वो जो ऐसा आंख वाला विद दैट, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन है. इफ यू गाइज अपडेट योर स्टेटस ऑन फेसबुक राइट नाउ, दैट जेंटलमैन इज लुकिंग वेरी हैप्पी राइट देयर, इट्स ट्रू. सो इफ यू अपडेट योर फेसबुक स्टेटस राइट नाउ, यू गेट दैट स्पेशल रमन राघव इमोटिकॉन. तो जाइए और सबको बताइए कि सबसे पहले जो ट्रेलर है इस पिक्चर का आप ही ने देखा है. सीटी किसने मारी थी, जरा जोर से मारो सीटी. फैंटास्टिक. ऑलराइट, सो अनुराग सर अभी हम बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं इस मूवी से उनको स्टेज पर हम बुलाना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके. सबसे पहले मुकेश चावड़ा साहब आप जरा स्टेज पर आ जाए, हमने खुद को कास्ट कर लिया फाइनली किसी फिल्म में. खुद को कास्ट करने का आइडिया कहाँ से है मुकेश जी? जितने भी आइडिया आते हो यहीं से आते हैं. तो मैं तो बस आइडिया को फॉलो करता रहता हूँ, तो ये सब काम इनका ही है, सूत्रधार वही है, और मैं इन्हीं की फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, बाकी कहीं होती नहीं है मुझसे. Fantastic. And the one beautiful face that we're going to be seeing in this movie right now, can I invite on stage Miss Sobhita once again? Miss Sobhita Dhulipala, everybody, for the first time ever! आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल पैजेंट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही हैं आप. क्या ज्यादा स्केरी रहता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना या अनुराग कश्यप की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना कांस में? Why is that a question? Because I don't know. what is more nerve wracking? क्या आपको ज्यादा मतलब ज्यादा नर्वस किस चीज को लेकर रहते हैं आप? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया या इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? I think when you're representing your country, you're, I don't know, I can't. मुझे इट्स जस्ट वन थिंग इन द ऑडिशन, जब मैंने टेस्ट किया था, आफ्टर दैट पॉइंट व्हेन ही टोल्ड मी दैट यू आर ऑन बोर्ड, आई थिंक आई टुक ऑन टू अ न्यू आइडेंटिटी ऑल टुगेदर. सो तब तक मैं जो थी, चैप्टर क्लोज, हियर इज अ न्यू बिगिनिंग, यू नो. आई देयर यू गो. वेल सो व्हाट आई कैन हियर, यू हैव अ ह्यूज अप्लॉज, फर्स्ट टाइम एवर इन अ मूवी, ये. ऑलराइट, अभी जो बाकी की टीम है स्टेज पर, कैन आई इनवाइट मिस्टर विक्रमादित्य मोटवाने वंस अगेन प्लीज. Mr. Vikramaditya Motwane, Mr. Madhu Mantena. Madhu ji, please, ek bar aap bhi aa jaye stage par. And Mr. Shivashi Sarkar. And jo itne der se hum ek ghante se jo loop
पर सुन रहे हैं और जो भी हमने चार पांच टीजर देखे हैं और जो भी ट्रेलर देखा है, द वन बिग थिंग इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट्स हेल्ड एवरीथिंग टुगेदर, द म्यूजिक ऑफ द मूवी. कैन आई इनवाइट अप ऑन स्टेज मिस्टर राम सांपा. Fantastic. Sir, आपसे सवाल है मेरा कि जब ऐसी एक मूवी आप बना रहे हैं जो वाह इतने सारे माइक्स एक साथ, जब एक ऐसी मूवी आप बना रहे हैं, ऐसी मूवी पे जब आप काम कर रहे हैं, तो अनुराग ने आपको आकर क्या क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं ऐसे म्यूजिक से? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, टीजर्स जितने भी लोगों ने देखे हैं अभी तक, वो म्यूजिक से ज्यादा डर गए हैं, नवाज की हरकतों से ज्यादा, वो म्यूजिक सुनकर ज्यादा डर गए. नहीं, वो हो ही नहीं सकता. नवाज इज जस्ट टू स्कैरी. बट आई गॉट टेल यू, आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड दिस मच फन ऑन अ फिल्म, एंड आई डोंट थिंक आई वर्क्ड ऑन अ बेटर फिल्म. So, Anurag, thanks. It's just been a dream. It's been unbelievable, right? Dusri baat kya hai ki, I think the most special thing about the film is the fact that I think the performances are just unbelievable. I mean, Mukesh ji, you've changed idlis for me forever. That's an inside joke. Yeah. Clearly. Yeah, and I'm South Indian, so imagine what has happened to my life. What has Mukesh ji done to you? You have to watch it. You have to watch it. It's unbelievable. It's a very, very darkly funny film as well. And मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को देख के हंस भी रहे थे, because it is, that's exactly what the film is about. And the music has been a lot of fun. So I'm just delighted. अनुराग सर, एक आखिरी सवाल बिफोर वी ओपन इट टू क्यू एंड इट फ्रॉम द मीडिया. जो चिरचिरे टीजर्स रिलीज किए हैं आपने, उनके पीछे क्या आइडिया था? एक एक सेटअप है घर का, एक रेस्टोरेंट का, एक ऑटो का. उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दो लोग दे सकते हैं. एक है वासन बाला, जिन्होंने सारे टीजर्स बनाए हैं, जो इस फिल्म के को राइटर भी है, और वो प्लीज स्टेज पे आ जाए. वासन बाला, वासन, ओ वासन बाला इज हियर, वो हमारी फिल्म के को राइटर भी है. और दूसरे रंजन सिंह है, ये लोग बैठ के जाएंगे. रंजन जी स्टेज पे नहीं आएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. हाय वासन, हेलो, गुड इवनिंग, हाय, हाउ इज इट गोइंग? गुड, वेरी गुड. अब आप बताइए, चलिए यही सवाल आपसे कि जो चार छोटे छोटे टीजर्स आए, घर का, रेस्टोरेंट का, रिक्शा का, और चौथा कौन सा था? देयर वाज अनदर वन, घर का, सिलेंडर वाला, सिलेंडर वाला, जो मेरा पर्सनल नाइटमेयर है जिंदगी में, तो इनके पीछे क्या आइडिया था वासन? द आइडिया वाज रंजन, आई वाज जॉबलेस, वी सेड डायरेक्ट समथिंग. And he's first time looking like a normal human being. I think pehli baar na aaya abhi. चलिए, अब आपके हाथ में कैमरा माइक पकड़ा ही दिया है, तो जरा ये बताएं अनुराग कश्यप की विजन को स्क्रीन पे उतारने में, मतलब what is that process like? To me, मतलब अनुराग सर के साथ काम करना, मतलब ऐसा होता है लाइफ में एक बार कुछ काम करो बोलते गंगा ना आए, वो वाला था नवाज सर और अनुराग सर के साथ. So yeah, French Riviera na hai sir, big learning process, it was great fun working, kafi organic tha the whole process of filming. So yeah, I just kind of followed what he had to tell me, and I just kind of did what I did. Aapas mein secret ek code word tha, English aur desi, so aisa hota hai, matlab jab hum log koi khatarnak scene karte the to lighting kaise karni, he used to go English. Aur jab hum log light scene karte the to desi. All right, here we have it. We have the cast, we have the crew, we have the writer, the director. A huge round of applause. Can we hear it for Raman Raghav 2.0? Everyone, right at the back. Everyone sitting at the back. Abhi hamare jo photographer bhai hai, agar wo shant ho gaye to hum yahan tasveerein kheench sakte hain. And if there's any questions, if anybody has any questions, I think there will be a mic going around. And we can ask questions, if any. And I'm going to get off the stage now. Hi, my name is Anuk. Hi, Nawazuddin Siddiqui से मेरा सवाल है कि कभी आप मांझी बनते हैं, कभी आप वासीपुर में आते हैं, कभी, तो ये जो किरदारों का, किरदारों के लिए जो आप तैयारी करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक साइको का एक किरदार था, तो वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर फिल्म से आप निखरते हैं. मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए. बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी
जिनके लिए कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताते हैं आपको उस तरीके से करते चले जाओ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो 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 मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज़्यादा कुछ सोचना वोचना इतना होता नहीं है। अनुराग, कोई दिवाली के पीछे भागता है, कोई गणतंत्र दिवस पे, कोई स्वतंत्रता दिवस, सबकी अपनी डेट्स फिक्स हैं। आप क्या कांस के लिए फिक्स करते हैं या आपकी रिलीज डेट क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रिलीज डेट जो है, हमारी फिल्म कब तक रेडी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अक्सर हमारी रिलीज डेट सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है। विकी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वासीपुर में आपने बताया कि 10th एडी थे, तो आपने क्या सीखा ऑन सेट, क्योंकि अनुराग भी वहाँ मौजूद थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थे। आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था, फिल्म कैसे बनती है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले, तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज़ क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसे बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं, मैं बस वो सीखने गया था। एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासीपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी, तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासीपुर। नवाज, ये कहना ज़्यादा नहीं होगा, हाइट डज नॉट मैटर, और आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और आपने ये प्रूव कर दिया यार कि